Assalamu alaikum. This is Najma, and today we will be covering our topic trigonometry of O levels 4024. Acha ji. In our syllabus of O levels trigonometry ke andar jo hai aapke paas do cheeze hoti hain. एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, नॉट राइट एंगल ट्राइंगल होता है. राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है उसमें से कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है उसमें एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता. ठीक है. अच्छा, तो आज हमारे जो पढ़ने का जो पूरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, वो है राइट एंगल ट्राइंगल. हम नॉन राइट एंगल ट्राइंगल को अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे. इन सब चीज़ों में इनको सॉल्व करना या क्या होते हैं पाइथागोरस थ्योरम, रेशियोज एंड ऑल, इन सब चीज़ों में पहुंचने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि हाउ वी आर सपोज टू बी आइडेंटिफाइंग आवर ट्राइंगल. कि भाई दिस इज, अभी हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसी को यूज़ करते हैं. ठीक है. सबसे पहले इसके अंदर हमेशा क्लॉक वाइज या फिर एंटी क्लॉक वाइज लेबलिंग होती है हमेशा. ठीक है. अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज, ये हमारा ए बी सी हो गया. अब ये जो लेटर है इसके साथ ये जो कोना है ये आपके पास हो जाएगा एंगल. ठीक है. ये सारे आपके पास क्या होते हैं, एंगल होते हैं. अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल कौन सा है, ये एंगल ए है. दिस इज़ योर एंगल बी एंड दिस इज़ योर एंगल सी. अब आप एंगल्स को किस किस तरह से लिख सकते हैं. आप एंगल्स को लिखते हैं लेट्स से एंगल ए, ऑलराइट, ये एक तरीका हो गया. या आप कह सकते हैं सी ए बी, और आपने इसके ऊपर छोटा सा ये एक एरो टाइप का बना दिया, तो इसकी भी आइडेंटिफिकेशन होती है एज एन एंगल. ऑलराइट. अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने साइड्स की. कोई भी यहाँ पर लेटर हो वो आपका एंगल कहलाएगा, एंगल ऑफ दैट लेटर. उसके कॉरिस्पॉन्डिंग मतलब उसके जो बिल्कुल सामने वाली साइड होगी वो आप उसके स्मॉल लेटर से जो है डिनोट करेंगे. ऑलराइट. अब जैसे ये एंगल बी है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल बी. इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल सी. ओके. अच्छा, अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है, वो ये होती है कि भाई आपका हाइपोटेन्यूस क्या होता है, आपका बेस क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर क्या होता है. ये तो हमने लेबलिंग की आइडेंटिफिकेशन की है कि हाउ टू रीड अ ट्राइंगल व्हेन इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन विद रिस्पेक्टिव ऑफ द वेरिएबल्स यू आर गोना फाइंड ऑन इट. ऑलराइट. अच्छा, मूविंग ऑन, लेट्स सी दिस इज यू आर गोइंग टू बी ट्राइंगल. ऑलराइट. अब ये जो 90, ये जो हम एक स्क्वायर करके बना देते हैं, दिस इज योर 90 डिग्री ट्राइंगल. ऑलराइट. और ये जो एंगल होता है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट दिस वन, जो 90 डिग्री के सामने वाला लेंथ होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं. और जो भी आप एंगल के बारे में, जिस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस एंगल को आप रेफर कर रहे हो, वो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उसके बराबर वाला बेस होता है. लेट्स सी, अगर आप इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला, लेट मी टेक अनदर कलर एट दिस पॉइंट. आपने इस एंगल के बारे में बात की तो इसके सामने वाला रिस्पेक्टिव ऑफ दिस एंगल, इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसके बराबर वाला हो जाएगा बेस, एंड योर हाइपोटेन्यूस इज गोइंग टू बी योर कांस्टेंट. ठीक है जी. चले, अब जबकि हम ये पढ़ चुके हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है. इट्स अ फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. इन दोनों के स्क्वायर को जब आप सम करेंगे तो आप अपने हाइपोटेन्यूस पे पहुंचेंगे. ठीक है, उसके स्क्वायर पर. ओके. हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन सीख ली कि आपके पास क्या चीज़ क्या होती है, हाइपोटेन्यूस कब होता है और ये होता है, ये होता है. सही है. अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है. अब लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी योर थ्री, आपके पास बेस थ्री गिवन है, आपके पास जो है आपकी जो है परपेंडिकुलर आपके पास फोर गिवन है, एंड लेट्स फाइंड कि आपके पास जो है आपका हाइपोटेन्यूस क्या होता है. तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है भाई आपके पास, हम अभी सपोज कर लेते हैं दिस इज आवर एंगल, सो इसका परपेंडिकुलर आपके पास फोर पड़ रहा है तो इट्स गोइंग टू बी फोर स्क्वायर, प्लस बी आपके पास बेस क्या है आपके पास थ्री पड़ रहा है तो इट्स गोइंग टू बी योर थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 16 प्लस 9 इज गोइंग टू बी योर 25.
ठीक है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, हमें क्या निकालना होता है, अपना हाइपोटेन्यूस निकालना है, लेंथ निकालना है, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं निकालना है। तो वी आर गोइंग टू बी टेकिंग योर अंडर रूट ऑन द बोथ साइड्स, ऑलराइट। तो आपका हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सही है। अच्छा सर, इसी को हम करते हुए, हमारे पास अमूमन, हम ज़रूरी नहीं है कि हम इस फॉर्मूले में अगर एच यहाँ पर है तो हमसे एच ही मांगा जाएगा, ठीक है। हमसे वो क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर भी मांग सकते हैं, बेस भी मांग सकते हैं, रिस्पेक्टिव, डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन मांग क्या रहा है, ठीक है, कुछ भी मांग सकते हैं। तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए, इसी को यूज़ करते हुए, लेट्स से अभी हमारे पास चूँकि 5 निकल गया, तो हम अपने 5 और 4 को कंसिडर करते हैं इस एंगल के रिस्पेक्टिव, ठीक है। ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, हो गया आपके पास ये आपका हाइपोटेन्यूस हुआ है, और ये आपके पास बेस हुआ है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर। ऑलराइट, अब हमारे पास चूँकि हमने पढ़ लिया है कि हमारे पास फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम ये है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलता क्या है भाई, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से सिर्फ साइड निकल रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास हाइपोटेन्यूस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, और हमें बेस निकालना है। हमारे पास बेस नहीं है, हम बेस को रब कर देते हैं, वी डू नॉट नो आर बेस। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें पता है भाई दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो वी आर गोना अप्लाई दिस एंड देन वी आर गोना फाइंड आवर साइड। ओके, लेट्स सी, हाइपोटेन्यूस क्या है भाई, हमारा 5 है, तो इट्स गोइंग टू बी 5 स्क्वायर इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4 है, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास बेस एज इट इज रहेगा क्योंकि अभी आपको नहीं पता, इट्स गोइंग टू बी बेस स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 25, और इक्वल्स टू 16 प्लस बेस का स्क्वायर। आपको बेस सब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस 16 को आप अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आएंगे, तो आपके 25, और जब ये आपके पास कोई भी क्या कहते हैं इक्वल्स टू के साइड पर आता है, तो आपके पास साइन चेंज हो जाता है, इट्स पॉजिटिव 16, तो इट्स गोइंग टू बी योर नेगेटिव 16, एंड देन इट्स गोइंग टू बी बेस स्क्वायर। 12, फिर 25 माइनस 16 इज गोइंग टू बी 9, एंड इक्वल्स टू बी बेस स्क्वायर। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, बिकॉज वी डू नॉट नीड द स्क्वायर विद आवर बेस, सो इट्स गोइंग टू बी 3, ठीक है। तो बेस आपके पास 3 आ गए। अब हम यही चीज़ अपनी दूसरी साइड के थ्री करते हैं, अगर इसे सपोज करें, इसलिए आपके पास परपेंडिकुलर नहीं गिवन और बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, तो आप यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या करेंगे आप, जो आपके पास राइट हैंड साइड पे, आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे, और जब आप ऐसी मूवमेंट कर रहे होते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपका जो साइड, आपका जो जो भी नंबर के साथ आपके साइन होता है वो चेंज हो जाता है,